ये क्या हो गया? इतनी बड़ी गलती, इतनी बड़ी गलती कैसे करती मैंने? ए, ये सब कैसे हो गया? ये सब तुमने ही किया है। ड्रिंक में जरूर तुमने कुछ मिक्स कर दिया था। पार्टी कहकर तुम ही नशे में हो गई थी, तुम्हें होश ही नहीं था। तुम क्या कर रही हो? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ड्रिंक में जरूर तुमने कुछ मिक्स कर दिया था। से मैं बोलो, मार जा। हाँ तो मार के दिखा, मार। मैं तुम्हें मार डालूंगी। हाँ मार डालो मुझे। सुबह सुबह ये भूत कहां से नजर आ गया? आप हैं क्या? अरे इस टाइम क्यों आए? मैंने बोला था ना आपको कि आपकी बेटी को ढूंढ रहे हैं, जैसे पता चलेगा बता दूंगा। फिर स्टेशन, घर पे आके बार बार परेशान क्यों कर रहे हैं? साहब मेरी बेटी कहाँ होगी, कैसी होगी, कुछ पता नहीं है। हम लोग हर दिन डर डर के जी रहे हैं साहब। ये मेरी बीवी के पुश्तैनी जेवर लेकर आया हूँ साहब मैं। देखिए इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है साहब। अरे आप इसे ले लीजिए और मेरी बेटी को ढूंढ कर वापस लाइए। देखिए मैं आपका दुख समझ सकता हूँ, जैसे ही आपकी बेटी मिलेगी आपके हवाले कर दूंगा। अभी आप घर जाइए। ठीक है साहब। गुड मॉर्निंग सर। क्या है? वो मैडम से मिलना है। सुबह सुबह? वो इन्वेस्टिगेशन के लिए। हाँ, जाओ। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। ऑफिस में मिलता हूँ मैडम। एक मिनट। क्या हुआ उस आदमी की प्रॉब्लम क्या है? एनीथिंग सीरियस? उसकी बेटी 3 हफ्तों से मिल नहीं रही है, वही है। तो अपराधियों को पकड़ लो ना, तुम्हें कोई क्लू नहीं मिला? उसी काम में तो लगा हूं। तो फिर इस केस को सॉल्व करने के लिए मैं कोई हेल्प कर सकती हूँ क्या? तुम हेल्प करोगी क्या? देखो तुम बस एक नाम की डिटेक्टिव हो, ये बताओ बर्तन धोने के अलावा कभी कोई केस भी सॉल्व किया है क्या? मजाक कर रहा था, वो केस सॉल्व करना इतना भी आसान नहीं है यार।
ये बात तुम अच्छे से जानती हो, है ना? बड़े बड़े तुर्रम खां भी उसे सॉल्व नहीं कर पा रहे, इसीलिए केस मुझे मिला है। वैसे भी वो देखो, इस गधे को असिस्टेंट बना करके तुम अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझ रही हो। हाँ, पता है बीवी की ड्यूटी क्या होती है? बस वही जान लो, ठीक है? ये बड़ा सिंघम का अजय देवगन बन रहा है। एक मैडम, आज तक एक अपराधी भी मुझसे बच नहीं पाया है। मैं क्या चीज हूँ दिखाने का टाइम आ गया है। देखते हैं मैडम, एक काम करते हैं मैडम, हम दाऊद इब्राहिम को पकड़ लेते हैं, फिर हमारी पावर का पता लग जाएगा मैडम। दाऊद इब्राहिम की फाइल अब तक हमारी टेबल पर नहीं आई है। ओ। मेरे पति की सारी पेंडिंग फाइल लेकर आओ और ऑफिस में वेट करो मेरा। चुटकियों में लेके आ जाऊंगा मैडम। अरे बाप रे, ये फाइल देखकर लग रहा है कि सब कुछ भूल गए हैं। पति पत्नियों पर चिढ़कर उन पर अपना हुक्म चलाना चाहते हैं, लेकिन हमें ही उन पर हुक्म चलाना चाहिए। अरे फोन उठाने में कितना समय लगता है? अरे क्या हुआ यार जो इतना टेंशन ले रहा है? डैड ने हार्ट अटैक का नाटक करके 2 दिन में मेरी शादी करा दी, जिससे मुझे हार्ट अटैक आ रहा है। मैरिज हुई है तो जश्न मनाना चाहिए ना, तू उदास क्यों है? अरे मुझे लड़कियों से बात करनी नहीं आती है, डायरेक्ट उन्होंने मेरी शादी करवा दी। इसीलिए कॉलेज में प्रैक्टिकल करना चाहिए, कहते हैं एक पैग मार ले सब सेट हो जाएगा। अबे तेरी तो, तू आ जा, तुझे ही मारता हूँ। टेंशन लेगा तो लोग तुझमें कमी निकालेंगे। लगता है वो आ रही, मैं बाद में फोन करता हूँ। दूध। अब अरे मैंने तो सोचा मैं ही घबरा रही हूँ, पर ये तो मुझसे भी ज्यादा घबराए हुए हैं। आगे खुद ही समझ लो। नेक्स्ट क्या करना होता है? नेक्स्ट मेरे फ्रेंड ने कहा था कि लाइट्स ऑफ करना होता है। सॉरी, अब नेक्स्ट क्या करना होगा? हाँ, जैसे मूवी में हीरो और हीरोइन गाना गाते हैं ना, हम भी वैसे ही गाना गाते हैं। हे श्रुति, कम ऑन, क्या कर रहे हो? अब ऐसे क्यों शर्मा रही हो? हमारी शादी हो चुकी है। अरे रुको ना, रुको। उसकी जिंदगी में आने के बाद सब कुछ बदल गया। ये देखिए मैडम, प्रेशर कुकर में डालने के बाद भी वो ऐसा ही है। कितनी अच्छी फैमिली। इतना इंपॉर्टेंट मैटर चल रहा है और कौन गधा आपको कॉल कर रहा है मैडम? चाटा पड़ा, इसका मतलब हस्बैंड होगा। माय हस्बैंड। ओह, हस्बैंड के मैटर में मैडम शेरनी बन जाती हैं। हाँ बोलो। अच्छा सुनो, मेरी फाइल में एक इंपॉर्टेंट इनवेलप रह गया है, कहीं रूम में गिरा तो नहीं? देखो जरा। बर्तन धोने के अलावा मैं किसी काम की नहीं हूँ, ऐसा ही कहा था ना तुमने। अब इस तरह से ऑफिस का काम कैसे करूंगी बताओ मुझे। अरे मैंने तो वो बात ऐसे ही बोल दी थी ना, तुम तो सीरियस हो गई, जरा ढूंढो ना। वैसे तुम कुछ भी कह लो, बात तो बात होती है ना, मैं नहीं भूलने वाली।
टाइम वेस्ट मत करो। डार्लिंग प्लीज परेशान मत करो, मैं अभी बहुत टेंशन में हूँ। उस वक्त तो मैंने ऐसे मजाक किया था यार, उसका मिलना अभी मेरे लिए बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, प्लीज देखो ना। ठीक है, होल्ड करो। थैंक्स यार। हाँ, यहीं पर है, तुम फिक्र मत करो। वैसे तुमने बर्तन धो लिए क्या? मैं मजाक कर रहा हूं यार, बाय। ओके बाय। वैसे क्या हो सकता है इसमें? पंखे में तीन पंख होते हैं, पक्षियों के पास दो ही क्यों होते हैं? अगर तीन होते तो क्या होता? मैडम, ये पक्षियों में तीन पंखे, सॉरी। मेरे हस्बैंड इसके बारे में बहुत परेशान थे, ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है इसमें? मैडम, जब भी डाउट होता है ना तभी ओपन करना चाहिए, ऐसा पिताजी कहते हैं। इस खाली लिफाफे के लिए मेरे हस्बैंड इतनी फिक्र कर रहे थे? मैडम, जब मैं 10th क्लास में पढ़ता था ना, तो मैं जिस लड़की से प्यार करता था उसके सॉक्स को अपनी अलमारी में छुपा के रखा था। सर ने भी ऐसी यादें अपनी अलमारी में छुपाई होंगी। अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस गलत नहीं होता है। अरे मैडम, घर वालों का दबाव मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, पैसों की वजह से यहाँ ज्वाइन हुआ, और ये तो मुझे और परेशान कर रही है। न जाने कितनी लड़कियां मेरे पीछे पड़ी हुई हैं। जल्द से जल्द किसी को फाइनल कर लेता हूँ, एक अच्छी सी कंपनी खोलूंगा और बाकियों को अपना सर्वेंट बना के रखूंगा, तब आएगा मजा। इस लिफाफे के अंदर तो कोई सफेद कागज अटका हुआ है, से निकाल लो ना। दिखाई मैडम। हाँ, सच कहूं मैडम, इसका हमें एक्सरे करवाना पड़ेगा। अरे अरे अरे, क्या कर रही हैं? कमाल का आइडिया है मैडम, आपका दिमाग नहीं मेगा पिक्सल कैमरा है मैडम, अगर इससे दिखा तो सब कुछ पता चल जाएगा। वाह, लूनी, और क्या लिखा हुआ है ये तो समझ में नहीं आ रहा मैडम। लूनी का मतलब लोना वाला होता है क्या मैडम? मतलब अब लोना वाला घूमने जाना होगा। ऐसी कोई बेकार का एड्रेस लग रहा है। मेंटल है। चलो बैठो, काम करते हैं। ठीक है मैडम, काम करते हैं। मैडम, रात में जो मूवी देखी थी वो बहुत अच्छी थी, और बताओ क्या हाल है? हाँ ठीक है। नहीं देखा तो ठीक है। ओके, ठीक है, कॉल बैक करती हूँ। सुबह सुबह कौन आ गया? क्या है? मैं कचरे वाला हूँ, कचरा लेने के लिए आया हूँ। घर पर कोई नहीं है, कोने में ही रखा होगा, उठा कर ले जाओ। ठीक है, मैं ले जाता हूँ। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो, हटो, हटो यहाँ से, छोड़ो, छोड़ो। दरवाजा खोलकर आखिर कहाँ गई होगी ज्योति? पूरा घर छान लिया, कहीं नहीं है। लकी, मेरी शादी होने के बाद भी मैं तुम्हें भूल नहीं पा रही हूँ। हमारी प्यार की यादें हर पल मेरी जान ले रही है,
मैं तुमसे दूर नहीं रह पा रही हूं। हाय, तुम हो क्या? बैठो। मुझे छोड़कर वो धोखेबाज किसी और से शादी रचाकर बड़े आराम से अपनी जिंदगी काट रही है। उसके बाद से ही ये मेरी लवर बन गई है। My love is gone, my love is gone। मेरे पति ने एक लड़की से प्यार किया था, उसकी हालत देखकर लग रहा है कि वो मर ही जाएगा। तो फिर हमारी लाइन क्लियर है। दिन भर तुम्हें ऐसे ही देखने का मन करता है। ओके, तो फिर कल फिर से कॉल करना। थोड़ी देर और बात करो ना प्लीज। हे श्रुति। हे, ऐसे कैसे काट रही हो? ध्यान रखना चाहिए था ना, देखो कितना कट गया। ओफो। अरे कोई बात नहीं, छोटी सी चोट है। क्या हो गया जो इतनी फिक्र कर रहे हो? छोड़ दो ना, रो क्यों रहे हो? शांत हो जाओ। तुम्हें जरा सी भी चोट लग जाती है ना, तो मैं अपने आप को संभाल ही नहीं पाता हूं। नमस्ते मैडम। लकी कंपनी कुछ प्लॉट बेच रही है, हर एक प्लॉट का 1,00,000 रुपए रखा है। अरे मुझे तो इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, मेरे पति घर पर नहीं है, ऑफिस गए हैं। तो कब तक आएंगे सर? शाम तक आ जाएंगे, तभी आप आइएगा। इवनिंग में आएंगे मतलब। कुछ खाने को मतलब कुछ पानी मिलेगा क्या? ठीक है, यहीं पे वेट कीजिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। ठीक। शालू, शालू, हेलो, व्हाट? ठीक है, आता हूं। इस तरह जब देखो तब जितना चाहे उतना ट्रांसफर करोगे तो हमारी सेविंग्स का क्या होगा? अरे वो मेरी बहन है, प्रॉब्लम आएगी तो सारी जायदाद बेच कर भी दूंगा उसे। अगर वो तुम्हारी बहन है तो मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हें अपनी बहन से ज्यादा प्यार है या फिर मुझसे? ऐसे क्यों बोल रही हो? मेरे लिए तुम दोनों एक ही हो। टॉपिक डाइवर्ट मत करो, तुम्हें अपनी बहन से ज्यादा प्यार है या मुझसे ज्यादा प्यार है ये क्लियर करो। ये लो सैंड। अगर ऐसा पूछोगी तो तुमसे ज्यादा मुझे अपनी बहन से प्यार है। शिट। ए ए जा,
मुझे इस तरह बुला रहे, बेशर्म कहीं का। कीर्ति, कीर्ति, कीर्ति! अरे मैंने कहा ना कि तू मेरी जान हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ऐसा मत करो कीर्ति। जब तक तुम बाहर नहीं आती मैं यहीं खड़ा रहूंगा। गुस्सा खत्म हो जाए तो खुद बाहर आ जाना। ये कहीं सुसाइड तो नहीं कर रही है? टेंशन में मेरा सर फटा जा रहा है। अब उठे हो, 10 बज चुके हैं, ऑफिस का टाइम भी खत्म हो चुका है। फटाफट तैयार होके आ जाओ, ब्रेकफास्ट रेडी कर देती हूँ। इसका गुस्सा कम करने के लिए टॉर्चर सहना पड़ेगा। इसका मतलब मूड अच्छा है इसका, लगता रात का सब भूल गई। श्रुति, श्रुति, डोर लॉक किए बिना कोई ऐसे सोफे पे सोता है क्या? 56 मिस्ड कॉल। I'm so sorry, baby. ये सब तुम्हारा ड्रामा है। जानकर अपना फोन साइलेंट पर रखा था ना तुमने? शादी से पहले आधी रात को भी फोन करो तो फट से उठा लेते थे, भाग भाग कर आ जाया करते थे, और अब क्या हो गया? अब तो तुम्हारा मुझसे मन भर गया होगा ना? शादी से पहले तुमसे कहीं ज्यादा सुंदर लड़कियां मेरे पीछे पड़ी थी, लेकिन मैं तुम्हारे प्यार में था इसलिए मैंने तुम्ही से शादी की। क्या लगता है मेरे पास दिमाग नहीं था? तुम्हें कौन सी कार गिफ्ट करूं बस ये पता लगाना चाहती थी। मैं भी एकदम पागल हूं। सॉरी बेबी, आई एम सो सॉरी बेबी, मुझे माफ कर दो ना बेबी। मैंने जानबूझकर नहीं किया ना, साइलेंट पे था इसीलिए पता नहीं चला। दोबारा कभी ऐसा नहीं होगा, ओके ना? तुम्हारा गुस्सा कैसे कम करना है मैं जानता हूं, पैर दिखा रहे थे। ये पैर भी दबा दो। ये जगह इसके लिए अच्छी नहीं है, चलो बेडरूम में चलते हैं, चलो। ओह शिट, फोन तो चार्ज ही नहीं हुआ। पता नहीं लकी ने अब तक कितनी बार फोन किया होगा, पता नहीं कब से मेरा वेट कर रहा होगा। अब तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? हाँ, शादी के बाद भी तुमसे बात कर रही हूँ, तुम समझो कि तुमसे प्यार करती हूँ। सब्र नहीं बचा, मैं जा रहा हूँ। बात सुनो प्लीज, कट मत करो। तुम अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी ना, मैंने सुन लिया सब कुछ। वो शादी के पहले की बात थी। रंगी हाथों पकड़ा है मैंने तुझे, ये झूठी कहानियां सुनाकर मुझे गुमराह मत कर, तू मार डालूंगा मैं। पगली कहेंगे, आखिर तू मुझसे इतना डर क्यों रही है? हा? मैंने भी एक लड़की से लव किया था और तूने भी एक लड़के से लव किया, इसमें गलत क्या है? हा? तू आज ही उस लड़की के पास चली जा, मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं है। राज, बोलो। तुम इतने समझदार इंसान हो, ये मुझे पता नहीं था। थैंक यू सो मच। भले ही तुमने मुझे लकी के पास जाने की परमिशन दे दी, पर घर वाले नहीं मानेंगे, समाज में उनकी इज्जत चली जाएगी
और वो मुझे मार डालेंगे। ओहो। तो फिर डिवोर्स ले लो। देखो हमें ये शादी पहले से ही पसंद नहीं थी, मेरे घर वाले ये बात ऑलरेडी जानते हैं, तो अगर हम लोग डिवोर्स ले लेंगे तो मेरे घर वाले कुछ नहीं कहेंगे, मान जाएंगे। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। थैंक यू सो मच। मैडम सेम पॉइंट मैडम, यहां पर कैसे? एक मिनट मैडम। हेलो, ये क्या इतनी धीरे बात क्यों कर रहे हो? वो क्या है, मैं इस कंपनी का बॉस हूँ ना, सारे कर्मचारी ठीक से काम करें इसलिए टेबल के नीचे बैठ के देखता रहता हूँ। भले ही मैं तुम्हारी जितनी रिच नहीं हूँ, पर हम भी थोड़े रिच ही हैं। मैं एक छोटी सी पार्टी दूंगी, तुम आओगे क्या? अरे बाप रे, अभी कर्मचारियों को तनख्वाह देकर आता हूँ। अपनी कार लेके आई हो ना? हाँ लेकर आई। तुम्हारी कार में बैठ सकता हूँ ना? मैडम मेरे चाचा को पैर में कुत्ते ने काट लिया है मैडम, उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है मैडम, हॉस्पिटल लेकर जा रहा है मैडम, अब क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैडम, मैं क्या करूं, क्या करूं मैडम, उन्हें कुत्ते ने काट लिया है मैडम, मर जाएंगे वो। ठीक है मैडम, मेरी शादी भी नहीं होगी मैडम, क्योंकि चाचा बीमार रहेंगे ना मैडम। ठीक है जाओ। पागल कुत्ते ने काटा है मैडम, जल्दी जाके मुझे बेड बुक करना होगा मैडम, दवा खरीदनी होगी, इंजेक्शन दिलवाना होगा, साबुन भी खरीदना होगा मैडम, पैसे तो लगेंगे ना। ये 2000 रख लो। थैंक यू मैडम, इतने काफी हैं, अब वो बच जाएंगे, मैं उन्हें मरने नहीं दूंगा। थैंक यू मैडम। मैं प्लंबर बोल रहा हूँ सर। ओके। आपके घर के बाहर खड़ा हूँ। घर पर कोई नहीं है। हाँ हाँ, नौकरानी घर पर होगी, ऊपर जाकर टैंक रिपेयर कर दो। ठीक है सर। काम होने के बाद फोन करना, मैं पैसे भेज दूंगा। हाँ करता हूँ सर। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, परफेक्टली करना। ठीक है। यस सर। सीरियल किलर रोज मर्डर कर रहा है, कर क्या रहे हो तुम? मैं भी उसी काम में लगा हूँ सर। और कितने दिन? जल्दी से काम खत्म करो, और अगर नहीं हो रहा है तो चूड़ियाँ पहनकर घर में बैठ जाओ। एक काम करो, हमारी टीम के साथ समाज घोड़ा जाकर इन्वेस्टिगेशन करो, समझ गए ना? यस सर। हमारे घर में नई नौकरानी कब से आ गई? हाँ? You silly? सर मैं अपना एप्लीकेशन भेज देता हूँ। ओके सर, ओके सर। क्या हुआ? 6 months लग जाएंगे डाइवोर्स के लिए। हाँ, 6 months? हे ऊपर वाले। वही तो मेरी परेशानी है, 6 months तुम्हारा चेहरा देखना पड़ेगा मुझे। ओह, ये सब क्या है? सरप्राइज। ये सब तुमने बनाया है क्या? हाँ। एक बार मुझे स्कोर देख लेने दो प्लीज। ओहो, बाहर जाना ही पड़ेगा। मुझे अवॉइड मत करो। ठीक है, अपने पति के साथ ज्यादा मत रहो। ठीक है, मैं समझ गई। हुँ, हुँ।
किसका फोन था? मम्मी 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 हाँ आज स्पोर्ट्स चैनल में ये भक्ति गीत कहाँ से आ गए? ठीक है, आज मैं तुम्हें एक अच्छी सी वाइन पिलाऊंगी। मैंने वाइन पीना छोड़ दिया है। ओहो, तुम्हारे अंदर का देवदास मर गया क्या? बातें बंद करो और टीवी देखो। कॉफी। हे, थैंक्स। बाप रे, रात को तुमने सोने नहीं दिया, मेरी बॉडी दर्द कर रही है। अच्छा, उकसाया तो तुम्हीं ने था ना? हाँ। अच्छा, तुमने तुम बहुत बड़े चोर हो, तुम चोरों की फैमिली से हो। एक बात बताओ, तुम्हारी फैमिली हमसे कम है क्या? बहुत ही बेवकूफ फैमिली है, जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, फिर भी बिल गेट्स की तरह पोज देते रहता तेरा बाप। अच्छा, तुम्हारे पापा कम है क्या? रिश्वत लेते हुए पकड़े गए और पूरे स्टेट में फेमस हो गए। मेरे पापा के बारे में एक भी शब्द बोला ना तो ठीक नहीं होगा, समझे? हाँ, जो बात कही इसमें गलत क्या है? जो कहा सच ही तो कहा मैंने। अपने पति से कैसे बात करते हैं तुम्हारे माँ बाप ने नहीं सिखाया? कंट्रोल योर टंग। उस बारे में बात करे तो तुमसे ज्यादा मैं अपने माँ बाप से प्यार करती हूँ। मुझे नहीं पता तू क्या करेगा, मेरा पैसा मुझे वापस दे दे। तूने पैसे कहीं भी लगाए हो उससे मुझे क्या? अरे, आज आप जल्दी आ गए, कितनी देर हुई आए हुए? ठीक है, फ्रेश होकर आइए, मैं खाना परोसती हूँ। मेरी जो प्रॉब्लम उसे कीर्ति सुलझा सकती है। कीर्ति, जरा मेरे साथ आओ। अरे क्या हुआ? अच्छा ठीक है, यहाँ बैठो ना। अरे आज तुम्हें एक इम्पोर्टेंट बात बतानी है। क्या बात है? अरे ये सब बगल में रखो यार, मुझे एक जरूरी बात करनी है तुमसे। अच्छा ठीक है, बताओ क्या बात है। बहुत प्रॉफिट आएगा ये सोचकर शेयर मार्केट में उधार लेके पैसे लगा दिए। ओके। अभी वो शेयर लॉस में चल रहे हैं, ये उधार देने वाले को पता चल गया, अगर मैंने उधार के पैसे नहीं चुकाए तो मुझे वार्निंग दे रहा है। हाँ? हाँ। बाप रे, इतना सब कुछ हो गया है, अब क्या करें हम? वैसे भी अभी इतने पैसे कहाँ से भरेंगे? एक बार बात तो कीजिए ना। वो बात ऐसी है कि वो जो तुम अपने मायके से जेवर लाई हो ना। हाँ तो? अगर वो मुझे दे दोगी तो उसे गिरवी रखकर उधार चुकता कर दूंगा। 1 वीक में वो सब छुड़वा कर तुम्हारे जेवर लौटा दूंगा। प्लीज जेवर दे दो ना। बाप रे, वो मेरे पेरेंट्स के दिए हुए जेवर है, मैं क्यों दूंगी भला? वो जेवर तुझे अपने पति से ज्यादा प्यारे हैं क्या? मैं अभी भी कह रहा हूँ, मैं अपनी पूरी जिंदगी में अब से 1 रुपए भी नहीं दूंगा तुम्हें। हेलो वकील साहब। हाँ, बताइए, इतनी रात को कॉल क्यों किया? मेरे जायदाद के पेपर आपके पास है ना, मुझे उसके एवज में 5 लाख रुपए चाहिए। ओके, ओके। अर्जेंट, कल सुबह 5 बजे तक। हाँ ठीक है, कल सुबह तक आपका काम हो जाएगा। ओके सर, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। थैंक यू सर। लगता है फिर से कुछ हो गया, मैं जाकर देख कर आती हूँ। अरे बाप रे, हमेशा तो ये काटने के लिए दौड़ता है, आज तो टेंशन में, कहीं मुझे मार ना दे, मैं अपनी गर्लफ्रेंड का अकेला हूँ। अरे बाप रे, मुझे कहीं छुप जाना चाहिए, ये आइडिया सही है। सिट। What happened? उस सीरियल किलर के बारे में एक भी सबूत नहीं मिला, ऊपर से ये एसपी मेरे सर के ऊपर बैठा हुआ है, और तो और फिर उसी का कॉल है। हेलो, मैंने तुम्हें समाज घोड़ा जाने के लिए कहा था ना, कहां पर हो तुम? मैं पहुंच चुका हूं। हाँ आ रहा हूं सर, जल्दी आओ। यस सर।
जीने नहीं देगा मुझे। यहीं पे नरक है, ये पता नहीं मुझे कब मार डालेगा। मुझे लगा कि वो है, अच्छा हुआ नहीं है। डर गए क्या? नहीं मैडम, वो केस रिवर्स में देख रहा था। अच्छा मेरी बात सुनो। हाँ? मैं अपने पति को हर रोज ऐसे टेंशन में नहीं देख सकती। आज भले ही कितना भी टाइम लग जाए पर मुझे इस फाइल को स्टडी करना है। कोई ना कोई सबूत जरूर ढूंढना होगा मुझे। ओके मैडम। फिफ्टीन डेज में हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, यू मेड माई डे। मैं आपका पेमेंट भेज दूंगा सर। थैंक यू, बाय। क्या हुआ जी? मेरे पास एक गुड न्यूज है, डाइवोर्स अप्रूव हो गया है, 15 डेज में हो जाएगा। यस, कितनी अच्छी न्यूज है। तो फिर आज मैं भी तुम्हारे साथ पार्टी करूंगी। ऐसा क्या? हेलो। हेलो सपना, कैसी हो तुम? मैं बहुत अच्छी हूँ। तुम तो अच्छी ही होगी, तुम्हें भगाकर तुम्हारी लव मैरिज कराने के लिए मैंने कितनी तकलीफ उठाई है पता है? मेरे भरोसे को मत तोड़ना। कैसे हैं तुम्हारे वो? कोई गंदी आदत तो नहीं है ना उनमें? ठीक है दीदी, माँ और पापा मेरे बारे में क्या बात करते हैं? वैसे तो मुझे डांटते रहते हैं, कहते हैं कि उसके साथ झगड़ा करके तुम रास्ते पे आ जाओगी, ऐसा सोच रहे हैं वो। हमेशा मुझे ताने मारते रहते हैं। हमने जो किया है वो करेक्ट है, बस ये लगे तो काफी है। कोई कुछ भी बोले तुम ध्यान मत देना। सही कहा ना? हेलो, सुनाई दे रहा है क्या? क्या हुआ है, बात क्यों नहीं कर रही हो? हेलो, ए तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? कोई प्रॉब्लम है क्या? ऐसा कुछ नहीं है दीदी। मेरी कसम खाओ और सच सच बताओ। हाँ दीदी, हम दोनों हैप्पी नहीं हैं। मैंने तुमसे उसी दिन कहा था, देखो अब क्या हो गया है। अब मैं उसे नहीं सह सकती दीदी, मैं उसके साथ नहीं रह सकती। अरे तेरी तो इतनी सी बात के लिए अलग हो जाएगी। मैं और तेरे जीजा जी तो खून निकालाए तब तक मारा मारी करते हैं और फिर एक दूसरे को मनाते हैं। ये सब कॉमन है, जहाँ प्यार होता है वहाँ झगड़ा तो होता ही है। तुम कभी भी अपने पति को उल्टा जवाब मत देना। ठीक है ठीक है, मुझे तुम्हारे जीजा जी बुला रहे हैं, बाद में कॉल करती हूँ। ठीक है दीदी, बाय। ओके बाय। ओके बाय। ये लीजिए, इसमें मेरे सारे के सारे जेवर हैं। इसे ले जाकर किसी के पास गिरवी रख दो, जरूरत पड़े तो बेच भी सकते हो। मैं अपनी जायदाद बेच दूंगा तो तू अपने जेवर लेकर आ गई? जब मेरी जान दांव पे लगी थी तब तो बिल्कुल नहीं मानी, तू जैसी औरतों का प्यार देख लिया मैंने। अरे ऐसी बात नहीं है। क्या बात नहीं है? मेरी बात ध्यान से सुन, दिया हुआ खाना खाकर बस सोती रह, मेरे मर जाने के बाद पूरी जायदाद ले लेना। ए,
तुम मुझसे बिल्कुल भी प्यार करते ही नहीं थे और ना ही कभी तुमने मुझे अपनी फैमिली की तरह प्यार किया है। जब देखो तुम्हारी माँ, तुम्हारे पापा, तुम्हारी बहन उन्हीं की दुनिया में रहते हो। मुझे तो तुम बस कॉन्ट्रैक्ट की तरह लेकर आए हो। तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ, कपड़े धोती हूँ, सर्वेंट की तरह रहती हूँ तुम्हारे साथ में, और इसके साथ बिस्तर पर तुम्हें सुख देने के लिए मशीन की तरह इस्तेमाल करते हो। तुम क्या बकवास कर रहे हो? सॉरी डार्लिंग, गुस्सा हो क्या? दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी। बेबी, मुझे पता है तुम सोए नहीं हो। ए, ये क्या कर रही है तू? मैं यहाँ सो रहा हूँ और तू ड्रामा कर रही है, चल दफा हो। तू कभी नहीं सुधरेगा, तू एक घमंडी जानवर है। बहुत ज्यादा बोल रही है तू, छोड़ो, छुप, मैं तुझे मार दूंगी। ये क्या हो गया? इतनी बड़ी गलती कैसे करती मैंने? ए, ये सब कैसे हो गया? ये सब तुमने ही किया है। ड्रिंक में जरूर तुमने कुछ मिक्स कर दिया था। पार्टी कहकर तुम ही नशे में हो गई थी, तुम्हें होश ही नहीं था, तुम क्या कर रही हो? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ड्रिंक में जरूर तुमने कुछ मिक्स कर दिया था। मैं तुम्हें मार डालूंगी। हाँ, मार डालो मुझे। मैडम, इन तीनों फाइलों में अपनी शादी के बाद वो कहाँ रहते थे उसके अलावा मुझे उनकी सारी डिटेल्स मिल गई। मैंने ये डिटेल्स उनके फ्रेंड्स से ली। उनके फ्रेंड्स ने मुझे बताया कि बीवियों ने ही अपने पतियों को मारा है। अच्छा, इस मर्डर से रिलेटेड पति पत्नियों की फोटो दिखा। ये राजू और शगुन की फोटो है मैडम। मैं तुम्हें मार डालूंगी। हाँ, मार डालो मुझे। पार्टी कहकर तुम ही नशे में हो गई थी, तुम्हें होश ही नहीं था, तुम क्या कर रही हो? ये अरविंद और श्रद्धा की फोटो है मैडम। इज्जत से मार डालूंगी, छोड़ूंगी नहीं। मैं यहाँ सो रहा हूँ, तू ड्रामा कर रही है, चल बाहर निकल यहाँ से। फाइनली प्रकाश एंड कीर्ति। नहीं छोड़ूंगी तुम्हें, मार डालूंगी मैं। ए, तेरी तो मैं जान से मार दूंगा तुझे। छोड़ो मैं इधर। सो आप समझ गई ना मैडम?
इन तीनों मर्डर केसेस में एक पॉइंट कॉमन है कि ये तीनों नई शादीशुदा जोड़े हैं। सेकंड कॉमन पॉइंट, तीनों ने किसी न किसी विषय पर आपस में झगड़ा किया और उसके बाद पत्नियों ने पतियों को बुरी तरह से मार डाला। और पतियों को मारने के बाद बीवियां वहां से गायब हो गई। चौथा कॉमन पॉइंट ये है कि ये तीनों बहुत हॉट थी मैडम। अब मैडम मैं सबूत के तौर पे इसे कंसीडर कर रहा हूँ, अब चुपचाप बैठ नहीं तो मुंह तोड़ देंगी। पॉइंट तो मैंने अच्छा बताया है। इन तीनों पत्नियों में ऐसा साइकोलॉजी फिक्शन क्यों आ गया? इन फाइल्स को बगल में रखकर हमें आउट ऑफ फाइल्स इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। तो क्या करें मैडम? हमें उनके पेरेंट्स के पास जाकर शादी के बाद वो कौन से घर में रहते थे ये सारी बातें पता लगानी होगी। हाँ मैडम, पता लगाते हैं। अरे रुक जाओ, ठीक है आ रही हूँ, दो मिनट रुको। भैया अमेरपेट चलोगे? हाँ मैडम चलूंगा, बैठिए। कौन हो तुम लोग? यहाँ क्यों चल रहे हो? उतरो। कौन हो तुम लोग? क्या कर रहे हो? ना, मार डालूंगा। छोड़ो, जान से मार दूंगा। चुप रहे। छोड़ो। अरे मुंह पकड़। ए दिखता नहीं क्या तेरे को? ए, वो खोला ना जान से जाएगी। चुपचाप बैठ, समझ गई ना? आवाज मत करना। ए, चल चल चल। ए चुपचाप बैठ, एकदम चुप। हेलो पुलिस स्टेशन, यहाँ पर कुछ लोग एक लड़की को जबरदस्ती ऑटो में ले जा रहे हैं। ये बात है? ठीक है, मैं उसी एरिया में हूँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं आता हूँ। चलो चलते हैं। अरविंद जी के भैया, शादी के बाद आपके भाई कहाँ रहते थे? मेरे भाई ने जब से दूसरी कास्ट की लड़की से शादी की तब से वो हमारे साथ नहीं रहते। उस लड़की की कास्ट दूसरी थी इसलिए हमने उनको अपने घर में रखा नहीं। उसके बाद से वो कहाँ चला गया वो मुझे पता नहीं सर, उसके बारे में मुझे इतना ही पता है सर। ये तो मुझे भूत बंगला लग रहा है। राज के फादर राज की मौत के बाद ये डिस्टर्ब होकर ये मानसिक रोगी बन गए, तब से इनका ख्याल मैं ही रखता हूँ मैडम। राज अपने पिता के अलावा किसी को नहीं जानता है मैडम। राज के बारे में मुझे बस इतना ही पता है मैडम। आओ बेटा खाना खिलाता हूँ, आओ आओ। मतलब ये कुछ बता नहीं सकता है? नहीं बता सकते सर।
चलो। हाँ। थैंक्स। ओके मैडम। इससे उगलवाने के लिए हमें भी मेंटल होना पड़ेगा। थैंक यू। रंगनाथ जी, रंगनाथ जी। दिखने में लगता है कि सुन नहीं पाते हैं, हमें जोर से चिल्लाना होगा। रंगनाथ जी, जी। आप हैं मैडम, आइए आइए। अरे आप क्यों आई, खबर कर देती मैं ही चला आता। आपकी बेटी के बारे में हमें कुछ पूछताछ करनी थी। पूछिए मैडम। शादी के बाद आपकी बेटी कौन से एड्रेस पर रहती थी, बता सकते हैं? हाँ, एक मिनट मैडम। चाय कॉफी लेने जा रहे हैं क्या बुड्ढा? एक टाइम पे इसकी जिंदगी बहुत अच्छी थी, लेकिन इस केस के चक्कर में बेचारे के घर में मकड़ियों ने घर बना लिया है। सो सैड। पुलिस वाले तहकीकात करेंगे, इसलिए मैंने सब इसमें लिख रखा है मैडम। आपकी बेटी के बारे में हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। बहुत अच्छा मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बारे में जल्दी ही पता चल जाएगा। किसी भी तरह मेरी बेटी को ढूंढ निकालिए मैडम। आप फिक्र मत कीजिए, चलते हैं। ठीक है मैडम। उस तरफ चलो। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। ये घर है क्या? ध्यान से जांच करनी होगी यहां। हैं? मैडम, एक तरफ तो टूलेट का बोर्ड लगा हुआ है और दूसरी तरफ लॉक है। अब क्या किया जाए मैडम? यहां कोई नहीं मिला तो हमारा काम कैसे होगा मैडम? आसपास कोई है क्या, जरा देखो तो। मैडम वो देखिए, वहां वॉचमैन दिख रहा है। चलो चलते हैं। क्या चाहिए मैडम? यहाँ जो रहते थे वो चले गए, टूलेट बोर्ड लगा हुआ है। दो महीने से इस घर में कोई नहीं आया है, इसीलिए ओनर ने टूलेट का बोर्ड लगा दिया मैडम। आप पुलिस से हो? हाँ, ओके। हाँ। इस घर के ओनर कहाँ रहते हैं? श्रीनगर कॉलोनी में मैडम। मैडम इस फोटो में जो है वही इस घर में रहते थे क्या, बताइए, यही रहते थे क्या? हाँ हाँ मैडम, ये यही रहती थी। दो महीने से ये लोग घर नहीं आए। ओके। पकड़िए। अरे सॉरी 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 मैडम, सॉरी सॉरी सॉरी। अरे चॉकलेट दीदी। दीदी नहीं, बेटी है। सॉरी मैडम। इट्स ओके, ठीक है फिर। बाय। फाइल्स को कभी ऐसे नहीं रखना चाहिए मैडम, ग्रिप नहीं मिलता है ना मैडम। वेट, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मार डालूंगी। तो मार के दिखाना, मार। हाँ मैडम, यहीं रहते थे ये लोग, दो महीने से इधर नहीं आए हैं। अरे चॉकलेट दीदी, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मार दूंगी तुम्हें। अरे अरे मैडम, रुको। तेरी तो दिमाग खराब है क्या मैडम, जानबूझ के किया उसने। ठीक है, जाने दो। नहीं मैडम, देखिए तो उसे। अभी अभी बच्ची ने किसकी फोटो देखकर चॉकलेट वाली दीदी का? वो दूसरे मर्डर वाला केस कीर्ति की फोटो देखकर बोली थी। पर हम श्रुति के घर आकर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं ना। पॉइंट है मैडम। हाय, तुमने इसे दीदी क्यों कहा बेटा? ये कीर्ति दीदी है, इन्हें मैं चॉकलेट दीदी बुलाती हूँ। चॉकलेट दीदी, इन्हें तुम कैसे पहचानती हो बेटा? ये दीदी पड़ोस के घर में ही रहती थी, रोज मुझे चॉकलेट दिया करती थी। इस दीदी के बारे में जानती हो? अरे श्रुति दीदी कीर्ति दीदी के आने से पहले यहाँ रहा करती थी। ओके, तो फिर ये दीदी भी इसी घर में रहती होंगी ना? हमें नहीं पता सर, तब मैंने वॉचमैन की ड्यूटी नहीं की थी।
जिन लोगों का मर्डर हुआ है वो तीनों जोड़ियां इसी घर में रहती थी। शायद इस घर के ओनर का और उस मर्डर का जरूर कुछ लेना देना है। मुझे तो ओनर पे ही शक हो रहा है मैडम, नाम काली है। मैडम, वॉचमैन ने जो एड्रेस दिया था वो यही है। मैडम 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 मैडम, इस ओनर से हमें बहुत ही संभल के डील करनी होगी। पता नहीं कैसा है, वैसे भी इसका नाम काली है मैडम। गन है ना, कुछ गड़बड़ हुआ तो मैं पैर पे ठोक दूंगा। आप आइए मैडम, आइए आइए। वैसे तब तक के लिए ये सेफ्टी के लिए ठीक है, चलिए। मैडम जरा भी शक हुआ ना तो आप गन लेके तैयार हो जाइएगा मैडम। हाँ काली जी, मैं हूँ काली। काली है। क्या चाहिए तुम्हें? आपसे कुछ बात करनी है, अंदर आ सकते हैं क्या? ठीक है, आ जाइए। ची 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 ची, सारा प्लान खराब हो गया। बैठ जाइए। आपके घर में और कौन कौन रहता है? मैं अकेली रहती हूँ, एक इकलौती बेटी है। वो मुझसे नाराज हो गई और घर छोड़कर चली गई और मुझे यहाँ अकेला छोड़ गई। झगड़ा करके दूसरे घर में रह रही है क्या? नहीं बेटी, मेरी बेटी मेरे दामाद के साथ फॉरेन जाना चाहती थी। उसने उसके लिए पैसे मांगे, मुझे लगा वो मुझसे दूर चली जाएगी इसीलिए पैसे नहीं दिए मैंने। इतनी सी बात पर पास के फार्म हाउस में जाकर आग लगाकर आत्महत्या करके वो मर गई बेटी। तब से मैं अकेली रहती हूँ और दुखी होती हूँ बेटी। ये आपके ही घर में रहते थे? हाँ, 6 महीने पहले ये हमारे घर में रहते थे। पता नहीं क्यों बेटी, कभी कोई आता था कभी कोई जाता था। उसकी राह देखते देखते 2 महीने इंतजार करके वॉचमैन से कह के टूलेट का बोर्ड लगवाने को कह दिया मैंने, और दूसरे को रेंट पर दे देती थी। सभी ऐसा ही करते हैं तो मैंने भी किया। मतलब आप नई शादीशुदा जोड़े को ही घर देती हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं है बेटी, उसमें मेरे दामाद और बेटी दिखते हैं इसीलिए नई जोड़ियों को ही रेंट पर देती हूँ। आते वक्त हमने टूलेट का बोर्ड देखा, उसमें कोई आया है क्या? हाँ, अभी अभी कोई आया था, अभी उनकी लव मैरिज हुई है ना, एडवांस देकर गए हैं। आई थिंक हमें यहाँ से चलना चाहिए। थैंक यू आंटी। मैडम 9 बज गए हैं मैडम, डिनर का टाइम हो गया है, भूख भी बहुत जोर की लग रही है। गैस की प्रॉब्लम है ना मैडम, हमेशा खाने की ही पड़ी रहती है। जब तक काम खत्म नहीं होता कुछ नहीं मिलेगा। मैडम सुनिए, इस केस के कारण मैं तंदूर बन जाऊंगा, दोबारा कभी आऊंगा ही नहीं। मैडम क्या हुआ मैडम? जानबूझ के किया मैडम? अरे ये सब क्या हो रहा है मैडम, यहाँ पे कौन था वो? मरने वाली तीनों जोड़ियां उसी घर में रहती थी ये तो कंफर्म हो चुका है। तो कल से उस नए जोड़े पर हमें नजर रखनी होगी।
ओके मैडम, खाने के लिए पैसे दीजिए मैडम, रोज इस तरह से रहना मुश्किल हो रहा है। मैडम। हाँ बोलो। सीसीटीवी कैमरास काम कर रहे हैं ना? काम कर रहे हैं। वो आ गए क्या? आ गया है मैडम। मैं सीसीटीवी कैमरे में देखती रहूंगी कि वहाँ क्या हो रहा है, और तुम अंदर क्या हो रहा है देखते रहना, ध्यान देना, ठीक है? संभल कर। हाँ। ओके ओके ओके, डन डन डन। और मुझे हर बात की खबर देते रहना। बाद में कॉल करता हूँ। ओके। शीला माय डार्लिंग, आ जाओ। क्या हो रहा है? शीला, ये कहानी में नई एंट्री किसकी है? जरा एक बार यहाँ तो आओ। क्या है? शीला, जरा यहाँ देखो। अरे देखो ना, ये देखो, यहाँ पे ये जो तुम देख रही हो ना, इसके साथ ये गैंडा मिसमैच। शीला, मजा आया? ये इसे भिगा क्यों रहा है? पागल हो गया है क्या? अरे बाप रे शीला। शीला, चीची अब कहाँ चली गई? शीला, पूरा मूड खराब कर दिया। हम दोनों ने नहाया तो कितना रोमांटिक लगा ना, एक बार दोबारा नहाए क्या? चलो ना, एक बार और नहाते हैं। अरे रुको, मैं आ रहा हूँ, सुनो। कोई अपडेट्स है क्या? अब सब ठीक है मैडम। सच में? अगली बार जब आप मुझे यहाँ भेजिए ना, विद योर परमिशन, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को साथ ले आऊंगा मैडम। ए, इनका रोमांस मुझसे सहा नहीं जा रहा मैडम। अगर मैं वहाँ आ गई ना तो? हाँ, मैंने कुछ गलत कहा क्या मैडम? अपनी बेकार की हरकतें करना बंद करो पहले तुम। जो काम करना है वो करो। मेरा वो इरादा नहीं था। ओके, इडियट। अब जाने दो, कल देखते हैं। मैडम, क्यों सो गए थे क्या? यहाँ जो कुछ भी सीन चल रहा है मैडम ना, उसे देखने के बाद नींद नहीं आने वाली मैडम, सो नहीं रहा हूँ।
ध्यान रखना। ओके मैडम। पबजी, ये लड़के आधी रात भी खेलते रहते हैं। क्या देख रही हो? ऐसा क्या काम चल रहा है? This is my personal data. अच्छा, अभी? टाइम कितना हुआ जरा बताओ तो। हेल्थ के बारे में भी ध्यान रखना चाहिए ना? चलो जाओ, सो जाओ। ये लैपटॉप बगल में रखे और चलो सोते हैं। अरे ये तो लैपटॉप भी ले जा रही है। अरे गेम है। क्या हुआ? क्या? हाँ, बोलो। बताओ मुझे। हाँ, इतनी सारी गर्लफ्रेंड? हाँ, कौन है ये सारी लड़कियाँ? तुम इनके साथ क्या कर रहे हो? ये सारी लड़कियाँ शादी के पहले की हैं। Why did you do this? What did you tell me before? मैं बोल रहा हूँ तो भेजे में बात घुस नहीं रही है क्या? ये क्या है? ये किसका फोटो है? हाँ, मैंने इतने दिनों से ये देखा नहीं, अभी देख रही हूँ। देखो। अरे ये बस मैसेज है यार। You were cheater, you were liar, तुमने मुझे धोखा दिया है। तुमने मुझे धोखा दिया। You're just a cheater, cheater, cheater। अब तक तो अच्छे से मैनेज किया। रोमांस के चक्कर में फोन का पासवर्ड बता दिया होगा। गया है काम से। तुम गलत समझ रही हो मेरे। आई लव यू सो मच कह रही है। देखो। यस, आई लव यू सो मच बोल रही है। ए, ए, सुनो, कहाँ जा रही हो? मेरी बात तो सुनो। अरे बाप रे, अब इस घर में सुनामी उठेगी। अरे मेरे अंदर इतना तूफान क्यों उठ रहा है? अरे चार सीसीटीवी कैमरे में से दो काम क्यों नहीं कर रहे? ओह नो, व्हाट हैपेंड? Something is wrong. ये फोन भी नहीं उठा रहा है। Thank you.
हे कुणाल, कुणाल हाउ आर यू फीलिंग नाउ? सडनली दोनों ने लड़ाई शुरू कर दी थी, एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे। तभी मैं वहां से हल्का होने के लिए बगल में गया, तभी किसी ने पीछे से आके मुझे मार दिया। उस वक्त मैं अपनी आंख भी नहीं खोल पा रहा था, नीचे गिर गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। ओके लैपटॉप में सीसीटीवी फुटेज ओपन करो। ओके मैडम। मैडम ये देखिए, ये